यह कहानी हमें बताती है कि इस धरती पर रहने वाला हर एक प्राणी अपनी आजादी का हकदार है, अब चाहे वो कोई इंसान हो या कोई जानवर। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां पर एक बहुत ही खास प्रजाति के बंदर रहते हैं। वहां पर कुछ शिकारी आकर उन बंदरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे बंदर वहां से भाग जाते हैं और कुछ बंदर उनके जाल में फंस जाते हैं। वे लोग उनको अपनी गाड़ियों में भर के वहां से ले जाते हैं। दरअसल इनको एक लैब में ले जाया जा रहा है। इस लैब में इंसानों संबंधित कुछ गंभीर बीमारियों के इंजेक्शन बनाए जाते हैं, लेकिन इंसानों पर टेस्ट से पहले इन दवाइयों को बंदरों पर टेस्ट किया जाता है, ताकि इन दवाइयों के प्रभाव और दुष्प्रभाव को पहले ही जाना जा सके। इस लैब में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम विल है। विल काफी सालों से अल्जाइमर नाम की बीमारी के इंजेक्शन को बनाने में लगा हुआ है। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसमें इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है। उसने काफी सारे इंजेक्शन बनाकर इन बंदरों पर टेस्ट किए, लेकिन उनमें से कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। विल ने इस बीमारी के लिए एक इंजेक्शन और तैयार किया है, और हमेशा की तरह सबसे पहले इसका टेस्ट एक बंदर पर किया गया, और इसके नतीजे बहुत ही कारगर साबित हुए। इस दवाई से बंदरों की याददाश्त ही नहीं बल्कि सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ी, और उनके IQ लेवल में भी काफी बढ़ोतरी हुई। विल ये नतीजे देखकर बहुत खुश हो गया और अपने बॉस के पास गया। विल ने अपने बॉस को बताया कि यह दवा इंसानों पर टेस्ट करने के लिए तैयार है। आंखों में हरे चकत्ते पड़ने के अलावा इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। लेकिन विल का बॉस कहता है कि इंसानों पर टेस्ट से पहले तुम्हें बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी, और अगले दिन बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाती है। बोर्ड की टीम उस बंदर को देखना चाहती है जिस पर इस दवाई का इस्तेमाल किया गया था। वह बंदर एक मादा बंदर है जिसका नाम नंबर 9 है। जब नंबर 9 को टीम के पास ले जाने के लिए तैयार किया जाता है, तब वह काफी गुस्से में होती है और वो वहां के एक कर्मचारी पर हमला भी कर देती है। लेकिन जैसे तैसे काबू करके उसको टीम के पास ले जाया जा रहा होता है, तब वह बीच में ही बेकाबू हो जाती है और वहां पर काफी तोड़फोड़ मचाती है। उसके रास्ते में आने वाले इंसानों पर भी वह हमला करती है। इस बंदर के इस व्यवहार को देख वहां की सिक्योरिटी उस पर गोली चला देती है, जिससे वह वहीं पर मर जाती है। इस घटना से लैब का हेड काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन बंदरों पर उस दवा का गलत असर हुआ है। इसलिए वो उन सभी बंदरों को मारने का हुक्म दे देता है जिन पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया था। विल उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानता। बाद में विल और विल के दोस्त फ्रैंकलिन को पता चलता है कि वह बंदर जो आक्रामक हो गई थी, उसने उसी रात एक बच्चे को जन्म दिया था, और वह उस दवाई के कारण आक्रामक नहीं हुई थी। वह सिर्फ अपने बच्चे को बचाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, सभी बंदरों को मारने का ऑर्डर दिया जा चुका था। लेकिन विल का दोस्त फ्रैंकलिन विल से कहता है कि तुम इस बच्चे को अपने घर पर ले जाओ। विल इसके लिए उसे मना कर देता है, लेकिन फ्रैंकलिन कहता है कि तुम इसे कुछ दिन के लिए ले जाओ, बाद में मैं तुम्हारे पास से इसको ले जाऊंगा। किसी तरह विल इसके लिए राजी हो जाता है और वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। विल के घर पर विल और उसके पिता के अलावा और कोई नहीं रहता। विल के पापा को भी वही बीमारी है जिसकी दवाई बनाने के लिए विल काफी सालों से मेहनत कर रहा है। विल अपने पापा को उस बच्चे से मिलवाता है। विल का पापा उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। विल उस बच्चे की देखभाल करना शुरू कर देता है। वह नोटिस करता है कि इस बच्चे का दिमाग भी काफी तेज है। इसे कोई भी काम दोबारा बताने की जरूरत नहीं होती। सामान्यतः वह जितने समझदार होते हैं, उससे वह कई ज्यादा समझदार है। हरे रंग के चकत्ते जो उस दवाई के दुष्प्रभाव के कारण इसकी माँ की आंखों में पड़े थे, वैसे ही हरे चकत्ते इसकी आंखों में भी हैं। विल तुरंत समझ जाता है कि जब इसकी माँ पर वह दवाई इस्तेमाल की गई थी, तब यह गर्भ में था और उस दवाई का असर इस पर भी हुआ है, जिसके कारण इसका दिमाग काफी तेज है। उसके तेज दिमाग के लक्षणों को देखते हुए विल ने उसे घर पर ही रख लिया। इंसानों के बच्चे जो सब कुछ 4 साल में कर पाते हैं, वो सब कुछ वह 1 साल की उम्र में ही कर रहा था। जब तक वह 2 साल का हुआ, उसने काफी सारे शब्द सीख लिए थे। वह अपने कपड़े भी खुद ही पहन लेता था। 2 साल की उम्र में ही वह ऐसी ऐसी पहेलियों को सुलझा लेता था, जिन पहेलियों को एक इंसानी बच्चा 8 साल का होने पर भी नहीं सुलझा पाता। विल और उसके पिता ने इसका नाम सीजर रखा था। 3 साल की उम्र में वह इशारों की भाषा सीख गया था। वह इशारों के जरिए इंसानों से काफी सारी बातें कर सकता था। लेकिन विल के पिता की हालत अब और भी बदतर होती जा रही है। यह सब देखते हुए विल ने निर्णय लिया कि वह उस दवाई का इस्तेमाल अपने पापा पर करेगा, जिसका इस्तेमाल उसने सीजर की माँ पर किया था। विल लैब से वह इंजेक्शन लेने चला जाता है, लेकिन इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए इस दवा को मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए विल को यह दवा चोरी छुपे लेकर आनी पड़ती है। घर आकर विल यह इंजेक्शन अपने पिता को लगा देता है, और सच में यह दवा विल के पिता पर काफी कारगर साबित हुई। इस दवा से विल के पिता की बीमारी अच्छी तरह से ठीक हो गई। देखते ही देखते सीजर अब काफी बड़ा हो गया है। एक दिन सीजर विल और उस डॉक्टर के साथ जंगल में खेलने के लिए आते हैं। वहां पर एक कुत्ता सीजर को काफी देर से भौंक रहा होता है। यह देख
देखकर सीजर काफी गुस्सा होता है और उस कुत्ते पर चिल्ला पड़ता है। वह कुत्ता वहीं पर अपनी दुम दबा लेता है। सीजर को उस दिन ऐसा लगता है कि वह भी उस कुत्ते की तरह पालतू है, लेकिन विल उसे समझाता है कि वह पालतू नहीं है, वह उसके बेटे से भी बढ़कर है। लेकिन सीजर अभी भी उदास है। वह विल से अपनी माँ के बारे में पूछता है। विल उसे उसी लैब पर लेकर जाता है जहाँ से वह उसे लेकर आया था और उसे सारी स्टोरी बताता है। उस दिन सीजर को पता चलता है कि उसकी माँ कैसे मरी थी। एक दिन विल के पापा और उसके पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है। वह पड़ोसी विल के पापा को काफी बुरा भला कह रहा था। सीजर जब यह सब देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वह उस पड़ोसी पर हमला कर देता है। उसको काफी बुरी तरह पीटने के बाद वह उसकी एक उंगली को काट लेता है। सीजर ने जो किया वह कानून की नजरों में एक अपराध है, इसलिए इस अपराध की जांच होने तक सीजर को कैद रखने की सजा सुनाई जाती है। जब सीजर को कैद खाने में ले जाया जाता है तो सीजर उस कैद खाने को देखकर काफी खुश हो जाता है। उस कैद खाने की दीवारों को कुछ ऐसे पेंट किया गया था, देखने पर ऐसा लगता था कि मानो आगे खुला जंगल है। लेकिन जब सीजर दीवार के पास जाता है तो उसे सच्चाई का पता चल जाता है। कैद खाने में एक लड़का सीजर को आवाज देता है। वह सीजर को कहता है कि वह मुझे फॉलो करे ताकि मैं उसे वहां से बाहर निकाल सकूं। सीजर उसको फॉलो करता है, लेकिन वह लड़का बड़ी ही चालाकी से सीजर को एक पिंजरे में डाल देता है। वहां पर सीजर के अलावा और भी बहुत सारे वानर हैं। वह सीजर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। सीजर उन्हें देखकर काफी डर जाता है। सीजर को घर की काफी याद आ रही होती है। एक दिन जब सभी बंदर उस कैद खाने के पार्क में खेल रहे होते हैं तब वहां पर सीजर भी आ जाता है। उन बंदरों में एक बंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर था वह सीजर को काफी परेशान करता है और काफी चोट भी पहुंचाता है। ज्यादा चोट पहुंचने से पहले वह कर्मचारी लड़का वहां पर आता है। वह सीजर और उस बंदर को बेहोश कर देता है। बंदरों के साथ इस लड़के का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह लड़का सभी बंदरों के साथ बड़ी बदसलूकी करता है और उन्हें नफरत की नजरों से देखता है। एक दिन विल सीजर से मिलने के लिए वहां पर आता है। सीजर जब विल से पूछता है कि क्या अब हम घर जाएंगे तो विल उससे कहता है कि अभी और समय लगेगा। इस पर सीजर काफी नाराज हो जाता है। अब सीजर खुद ही वहां से बाहर निकलने का जरिया ढूंढने में लग जाता है। एक रात सीजर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहां का ताला तोड़ने में सफल हो जाता है। आजाद होते ही सीजर वहां पर रह रहे एक खूंखार गोरिल्ला को आजाद करता है। इसके बाद सीजर उस बंदर को आजाद करता है जिसने पहले ही दिन सीजर पर हमला कर दिया था। क्योंकि वह खूंखार गोरिल्ला जिसको सीजर ने आजाद कराया था वह अब सीजर का दोस्त है। उसके डर से वह बंदर सीजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और सीजर के सामने घुटने टेक देता है। वहां पर मौजूद सभी बंदर अब समझ जाते हैं कि सीजर ही अब उनका सरदार है। एक दिन विल वहां पर आता है। विल सीजर के पास जाता है। वह सीजर से कहता है कि चलो घर पर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन अब सीजर घर पर नहीं जाना चाहता। घर पर जाना भी वह एक कैद खाने की तरह ही समझता है। सीजर के रवैये से विल समझ जाता है कि सीजर अब घर पर नहीं जाएगा, इसलिए विल वहां से अकेला ही चला जाता है। सीजर के इस फैसले से वहां पर मौजूद सभी वानर काफी खुश हो जाते हैं। सीजर चाहता तो आसानी से उस कैद खाने से भाग सकता था, लेकिन उसका मकसद वहां पर कैद सभी वानरों को भी आजाद कराने का है। लेकिन सभी वानर सीजर जितने होशियार नहीं है। सीजर चाहता है कि सभी वानरों के दिमाग की क्षमता उसके जैसी हो जाए। इसके लिए सीजर को उसी दवा की जरूरत है जिसकी वजह से सीजर खुद इतना होशियार है। इसलिए वह एक रात उस कैद खाने से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वह इंजेक्शन उसको अपने घर के फ्रिज में रखे मिलेंगे। इसलिए वह सीधा अपने घर पर जाता है। वहां से वह दो इंजेक्शन चोरी करके ले आता है। लेकिन अब की बार इस दवा को बदल दिया गया है, यानी इस दवा को इंजेक्शन से गैस के रूप में बदल दिया गया है। सीजर उस दवाई को पूरे कैद खाने में फैला देता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सभी वानर उस गैस को इनहेल कर लेते हैं। अगली सुबह सीजर देखता है कि सभी की आंखों में हरे चकत्ते आ गए हैं, यानी इस दवा का असर सभी वानरों पर हो चुका है। लेकिन अभी भी वे सभी वानर इतने समझदार नहीं है, इसलिए सीजर उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। क्योंकि सीजर खुद भी एक वानर है, इसलिए उसे ज्यादा समय नहीं लगता उन सभी वानरों को ट्रेन करने में। एक रात वह लड़का जब उन सभी वानरों को खाना देने आता है तो वह देखता है कि सभी वानर अपने अपने पिंजरे में है, लेकिन सीजर अभी भी उसी पार्क में खड़ा है। वह सीजर के पास जाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। इस पर सीजर जोर से चिल्लाता है। वह कहता है नहीं। यह देखकर कि यह वानर बोल सकता है वहां पर मौजूद सभी वानर और वह लड़का दंग रह जाते हैं। सीजर उस लड़के को पंच मार के बेहोश कर देता है और जोर जोर से नहीं नहीं चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद सीजर सभी वानरों को आजाद कर देता है। जब वहां पर मौजूद एक और कर्मचारी उन वानरों को बेहोश करने के लिए आता है तो सभी वानर झपट कर उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं। वह उसे मारने पीटने लग जाते हैं, लेकिन सीजर ऐसा करने से सभी वानरों को मना कर देता है, क्योंकि सीजर किसी भी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन सीजर उस लड़के को एक भयंकर मौत देता है जो सभी वानरों पर काफी जुल्म करता था। इसके बाद सीजर सभी वानरों को लेकर वहां से फरार हो जाता है, क्योंकि
सीजर को पता था कि वह लैब जिसमें यह इंजेक्शन बनाए जाते हैं वहां पर और भी उसी जैसे वानर कैद हैं। इसलिए वह सीधा सभी वानरों को लेकर उसी लैब में पहुंच जाता है। वो सभी मिलकर वहां पर कैद सभी वानरों को आजाद करवाते हैं। शहर की पूरी पुलिस फोर्स उन बंदरों को काबू करने के लिए निकल पड़ती है। सीजर चिड़ियाघर से भी सभी वानरों को आजाद करवाता है। सभी वानर पूरे शहर में फैल जाते हैं। उनमें से सभी होशियार बंदर पुलिस का सामना भी कर रहे होते हैं। सीजर सभी वानरों को जंगल की ओर लेकर बढ़ता है, लेकिन जंगल तक पहुंचने के लिए उनको एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे से इस ब्रिज को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया है। इसलिए इस ब्रिज पर काफी भारी जैम लगा हुआ है। विल को इस सब की खबर लगती है तो वह भी उस पुल पर पहुंच जाता है। सीजर देखता है कि पुलिस ने सभी वानरों को दोनों तरफ से घेर लिया है। पुलिस को ऑर्डर मिले हैं कि सभी वानरों को खत्म कर दिया जाए, इसलिए रास्ते में आने वाले हर एक वानर को वह मारते हुए चलते हैं। इसके उल्ट सीजर पुलिस वालों को रास्ता जरूर रोकता है, लेकिन किसी भी पुलिस वाले को जान से नहीं मारता। ब्रिज पर भी पुलिस वानरों पर अंधाधुंध फायरिंग करती है, लेकिन वानरों की तादाद पुलिस से ज्यादा थी, इसलिए वह पुलिस पर काबू कर लेते हैं और पुलिस को वहां से खदेड़ देते हैं। इस लड़ाई में कई वानरों की भी जान चली जाती है। आखिरकार सभी वानर जंगल में पहुंच जाते हैं। विल भी उनके पीछे पीछे गाड़ी लेकर चला जाता है। विल सीजर के पास जाता है। वह सीजर से कहता है कि चलो घर पर चलो, लेकिन सीजर उसके कान में कहता है कि जंगल ही अब सीजर का घर है। यह सुनने के बाद विल सीजर के साथ ज्यादा बहस नहीं करता। वह सीजर को जंगल में जाने के लिए इजाजत दे देता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस मूवी को बाय और रेंट कर सकते हैं। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।